पवन कुमार शेट्टी। आज हम वापस हमारे जो टॉपिक यूनिट बनता चल रहा था टाइपो स्ट्रेस, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे थे दोस्तों। तो पिछले बार लेक्चर में मैंने थोड़े कुछ एडजस्टमेंट की वजह से ये थोड़ा सा टॉपिक क्या है कि कट गया था, तो मैं आज वापस इसी टॉपिक को वापस ले रहा हूँ। तो हम जो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस यहाँ पर डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैं ये सब फिनोमिना आपको बता चुका हूँ। इसके हम दो पार्ट यहाँ पर कंसिडर करेंगे, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे फिर हम चलेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है दोस्तों। तो घबराना नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमारा जो पूरा एरिया जो कवर होगा जेईई डिप्लोमा प्लस पीएससी वाला होगा। तो पिछले जो लेक्चर में इसका कुछ पार्ट थोड़ा सा मिस अरेंजमेंट की वजह से थोड़ा सा वो डिप्लोय गया था, तो उसको मैं वापस ले रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम जो बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस, हम जानते हैं दोस्तों ये दो तरीके से हमने यहाँ पे कंसीडर किए थे। पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट जो पार्ट होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस वाला पार्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो शियर स्ट्रेस वाला पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। अब जो मैं बता रहा था कि नॉर्मल जो स्ट्रेस हम देखते हैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो मैंने बताया था इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले एक्सियल स्ट्रेस, और दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेस, और थर्ड वाला जो पार्ट कंसीडर किया था वो हमारे पास क्या था, बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है दोस्तों। और जो शियर स्ट्रेस था इसको हम दो पार्ट में कंसीडर करते थे, पहला तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो यहां पर हम इसी पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे थे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट था नॉर्मल स्ट्रेसेस, ये वापस मैं अभी वापस आपको एक एक पॉइंट को कवर करवाऊंगा। सबसे पहले चलिए दोस्तों हम चलते हैं फर्स्ट जो हमारा पार्ट था नॉर्मल स्ट्रेस, इसको कवर करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पार्ट था नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है दोस्तों। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसके लिए कंसीडर कर रहे हैं हम, हमारे स्ट्रक्चर के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम दो पार्ट कंसीडर करेंगे, हमारा जो इंजीनियरिंग फिनोमिना है इसके अंदर हम सबसे पहले कंफर्ट जोन देखते हैं और दूसरा सेफ्टी इश्यूज को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे जो स्ट्रक्चर जो है इसके लिए हमें स्ट्रेसेस जानने जरूरी होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही वो फिनोमिना है जो किसी भी बॉडी की पोजिशन को या तो उसकी डिफॉर्मेशन है, जो उसकी पोजीशन है, जो जब उस पर लोड लगता है उसकी पोजीशन के चेंजेस को जो रेजिस्ट करता है, जो मेंबर रेजिस्ट करता है, उसको हमने स्ट्रेसेस नाम दे दिया था। तो अब देखिए दोस्तों, पहले नॉर्मल स्ट्रेसेस हम हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जो हमारा क्राइटेरिया है, इसके आधार पर सबसे पहला जो स्ट्रेस आता है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस आता है, इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे सबसे पहले बीम पोर्शन को कंसीडर करता हूं। और देखिए दोस्तों सबसे पहले जो आता है हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस आता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले, जैसे कि पहले हम बीम पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस का जो पहला पार्ट होता है स्ट्रक्चर का उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस आप समझते कैसे हो कि जैसे ये कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग हम इस पे खींच रहे हैं या इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये दो नेचर हो गए इसके, फर्स्ट जैसे कोई एक बीम है, जैसे हमारे पास क्या है देखो दोस्तों, ये वाली बीम है, इस पे लोड लग रहा है, ठीक है। इस पे कैसा नेचर कैसा है फोर्सेस का कि हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है। अब ये बीम कैसे है एक्स डायरेक्शन में, और लोड भी कैसे लग रहा है एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और बीम क्या हो रही है खींच रही है, तो इसको हम किस टाइप का बोल सकते हैं, टेंसाइल टाइप का बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है। और दूसरा कैसा होता है, जैसे कोई ये बीम है, ठीक है, इसके अंदर लोड लग रहा है,
बट ये किस तरीके का है, जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है तो ये भी डायरेक्शन का, क्योंकि हम पहला जो हमारा स्ट्रक्चर का जो पहला स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस, इसके फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस। तो दोस्तों ये समझना होगा कि एक्सियल स्ट्रेस कैसे लगता है, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे कोई ये बीम है, इसकी डायरेक्शन कैसी है, कैसे रखी हुई है, कैसे मेंबर स्ट्रक्चर रखा हुआ है, एक्सिस पे लग रहा है, और लोड इस पर कैसा लग रहा है, उसी के अनुदिश लग रहा है। तो ये इसको क्या कर रहा है, बीम को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इसको मैं इस नेचर को मैं बोल दूंगा टेंशन स्ट्रेस। और दूसरा ये बीम उसी डायरेक्शन में रखी हुई है और लोड इस पर कैसा लग रहा है, इसको बीम को क्या करेगा, ये दबाने की कोशिश करेगा, तो इस नेचर को मैं बोल दूंगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो दोस्तों जो एक्सियल स्ट्रेस है बीम वाला जो केस है, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसके अक्ष के अकॉर्डिंग जो हमारे लोड लग रहे हैं स्ट्रक्चर, उसको हमने डिफाइन कर दिया कि ये तो या तो ये टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा। ठीक है दोस्तों, ये पहला हो गया हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों, एक लोडिंग तो इस तरीके की हो गई, दूसरा कोई बीम रखी हुई है, जैसे कोई भी बीम है ये एक्स अक्ष के अनुदिश रखी हुई, ठीक है। अब इस पर लोड लग रहा है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ये कैसा होगा, वाई टाइप वाई डायरेक्शन में इसका लोड लग रहा है, तो इस टाइप की लोडिंग को मैं क्या बोल सकता हूं, ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप हो गया, ये हमने पहले जो एक्सियल स्ट्रेस उसके अक्ष के अनुदिश जो हमारा मेंबर है, पहला जो स्ट्रक्चर का मेंबर है बीम, उसके अंदर हमने एक्सियल स्ट्रेस जो उसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमने कंसीडर किया है। पहला एक्सियल स्ट्रेस उसका नेचर कैसा हो सकता है, उसका टेंसाइल टाइप हो सकता है, उसका कंप्रेसिव टाइप हो सकता है, या उसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो सकती है। तो ये हमारा पहला जो एक्सियल स्ट्रेस है ऑन बीम वो हमने देखा। चलिए दोस्तों आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगले टाइप पे मैं कॉलम को कंसीडर कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर अब किसी नेचर के अंदर हम एक्सियल जो हमारा स्ट्रेस होता है, दूसरा मेंबर कौन सा होता है, कोलम होता है, ठीक है। अब कोलम में किस तरीके से लोडिंग लगती है वो देखना जरूरी है, क्योंकि हमारा भी एक्सियल स्ट्रेस है, ठीक है। मेंबर या तो बीम हो सकता है या कोलम हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कोलम, ठीक है। अब यहां पर देखो आप आ गया वाई डायरेक्शन में, और जो लोड लग रहा है वो भी वाई डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो इस तरीके की जनरल लोडिंग जो हमारे पास आती है एक्सियल स्ट्रेस, जो हमारा दूसरा मेंबर है कॉलम, उसके केस में इस तरीके की हम लोडिंग को कंसीडर करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले स्ट्रेस की ओर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो ये हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस का जो पहला पार्ट है वो हमने कंसीडर किया है, कौन सा, एक्सियल स्ट्रेस। अब एक्सियल स्ट्रेस हमने कहां पर कंसीडर किया है कि देखो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर मोस्टली किनसे मिलकर बना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम दो मेंबर को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, पहला हमारे पास बीम होता है, दूसरा कॉलम होता है। तो बीम के केस को भी हमने कंसीडर कर दिया कि हम उस लोडिंग को कैसे उस पर स्ट्रक्चर करेंगे, कि वो टेंसाइल टाइप का होगा, कैसे वो कंप्रेसिव टाइप का होगा, या बीम के अंदर जो हमारे पास ट्रांसवर्स लोडिंग होती है वो कैसे लगती है। और दूसरा जो हमारा मेंबर आता है वो कॉलम होता है। तो इस तरीके से हम जनरल फिनोमिना शो करते हैं किसका, नॉर्मल स्ट्रेस के बिहेवियर का ऑन एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर कवर होता है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, अगले स्ट्रेस पर, जिसको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस आता है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास स्ट्रेस आता है बेंडिंग। अब इस वर्ड से तो लगभग सभी परिचित है, बेंडिंग में मैं पहले भी समझा चुका हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि किसी भी मेंबर को हमें वो क्या देना है, सेफली और इकोनॉमिकली हमें अगर बिल्डिंग को या जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, तो हमें स्ट्रेसेस देखने जरूरी है। स्ट्रेसेस क्या है, इंटरनल फोर्सेस जो उसके ऊपर लगने वाले बीम, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर लोड या फोर्सेस लग रहे हैं,
तो उसके परिवर्तन या उसकी पोजीशन के परिवर्तन को जो चीज रोक रही है, जो इंटरनल फोर्सेस रोक रहे हैं उसको अपन ने क्या बोला, इंटरनल रेजिस्टेंस, वही हमारे पास क्या स्ट्रेसेस। तो इसका पहला जो पार्ट है वो हमने कंसीडर किया नॉर्मल स्ट्रेसेस का, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेसेस, और दूसरा आता है हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब इस वीडियो में आपको जानना बहुत जरूरी है बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है किसी भी बीम की, किसी भी मेंबर की। यहाँ पर स्टडी किसी कर रहे हैं अपन, मेंबर की, क्योंकि स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है, मेंबर से मिलकर बना है। मेंबर कौन बनाता है, बीम या कॉलम बनाता है, सीधी सी बात है। तो बीम के अंदर में अगर लोड लगता है तो वो उसकी पोजिशन को चेंज करने का विरोध करता है। तो पहला स्ट्रेस तो हमने देख लिया एक्सेस। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो हमारे पास क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, ये बीम है, ठीक है, ये बीम है हमारे पास, ठीक है। अब बीम, इसको मैं सिंपली सपोर्टेड बीम बोल सकता हूं, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम बोल रहा हूं, ठीक है। ये इसकी अक्ष है, ठीक है, इसको मैं बोल दूं, और सेंटर पे कोई लोड लग रहा है पी, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहां पर बीम का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरीके से मुड़ने का होगा, इस तरीके से मुड़ने का होगा दोस्तों बीम। इसी तरीके से जो सेंटर सिंपली सपोर्टेड जो बीम होती है दोस्तों, सेंटर पे अगर पॉइंट लग रहा है तो बीम का जो डायरेक्शन कैसा होता है, इस तरीके से मुड़ने का होता है, इस तरीके से मुड़ती है बीम, डिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बेंडिंग की बात कर रहे हैं। तो बीम की जो पोजिशन चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस, किस तरीके से हो रही है, इस तरीके से हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। तो इसके नेचर को आप भी जानते हो, कि अब मैं इसको इस फिनोमिना को आपको समझाना चाहूंगा। जैसे अब देखो इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये कैसे हो रहा है, ये वाले जो पार्टिकल है किधर की ओर जा रहे, अंदर की ओर, और यह वाले पार्ट कैसे जा रहे। तो आप जानते हो कि हमने एक्सियल जो स्ट्रेसेस पढ़े थे दोस्तों, एक्सियल जो स्ट्रेसेस पढ़े थे जिसके अंदर हमने मेंबर के स्ट्रेसेस का नेचर पढ़ा था, पहला था कंप्रेसिव टाइप का और दूसरा था टेंसाइल टाइप का। तो नीचे वाले जो पोर्शन है सिंपली सपोर्टेड का, इसमें ये किस तरीके का नेचर है, टेंसाइल टाइप का है, क्योंकि अलोंग द एक्सिस खींच रहे हैं मेंबर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो अलोंग द एक्सिस खींच रहे हैं, और दूसरा जो है कंप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक कंसेप्ट यहां से निकल के आता है कि हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है इसके यहां पर हम क्या करते हैं, रेंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके का क्रॉस सेक्शन होता है, नीचे कौन सा लगता है, टेंसाइल टाइप का जो है स्ट्रेस लगता है, उसको रेजिस्ट करने के लिए इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम के क्रॉस सेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेंफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है किसका, बेंडिंग स्ट्रेसेस का, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट जो आता है हमारे पास, मैं एक बार देख लेता हूँ दोस्तों, कल भी इसी वजह से क्या है कि बंद हो चुका था, तो एक फिनोमेना होता है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे इनको। मैं जो मैंने पढ़ाया दोस्तों, ये दोनों पॉइंट एक्सियल स्ट्रेसेस, दूसरा हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस, इनके फिनोमेना देखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यही प्रिंसिपल वर्क आपको यूनिट में आगे ले जाता है। तो हमें यहां से बेसिक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलना है। तो दोस्तों ये हमारा जो पॉइंट है सेकंड, बेंडिंग स्ट्रेसेस को मैंने आपको बेसिकली एनालिसिस किया जाता है करवाया, कि हम जो बीम लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके अंदर स्ट्रेसेस का क्या फिनोमिना होता है, ये आपने यहां पर देखा बेंडिंग। और भी कई केसेस है जिनको मैं आपको पूरा सोल्व करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में आपको अगले स्ट्रेसेस की यहां पर बात करेंगे, ठीक है। और भी देख सकते हो आप दोस्तों, और भी कहीं ऐसी जनरल प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, पोजीशन के एजुकेटर चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं उस चीज को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज जो हमारा पॉइंट रहा, जनरली टाइप ऑफ स्ट्रेसेस के अंदर हमने कंसिडर किया, पहले नॉर्मल स्ट्रेसेस जिसके अंदर हमने कंसिडर किए एक्सियल स्ट्रेसेस, दूसरा जो पॉइंट था वो तो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या फिनोमिना होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बीम का, जिसको अपन बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या माना कि कोई पॉइंट पर लोड लग रहा है तो वो कैसे पोजीशन चेंज कर रहा है बीम की,
तो उस पोजीशन की चेंजिंग का विरोध कौन करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, जिसको हमने क्या बोला है? स्ट्रेस। ठीक है, तो वही सेकंड पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया है? नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस, वो क्या होता है कि जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसकी नेचर कैसे हो सकती है कि इसके अपवर्ड जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आने की कोशिश करते हैं, जिसको जिसका नेचर कैसा होता है? कंप्रेसिव टाइप का। और इसका जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, पार्टिकल दूर जाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से ही इसके क्रॉस सेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में अगले पॉइंट के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अब जो तीसरा जो स्ट्रेस आता है दोस्तों यहाँ पर, वो आता है हमारे पास बियरिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, इसका बेसिक फिनोमिना जो होता है वो क्या होता है कि हम किसी एक बॉडी को, जैसे ये बॉडी है, कोई भी एक बॉडी, इसके ऊपर हमने किसको रख दिया? दूसरी बॉडी को। मेरा एक देखो, ये इसको मैंने ले लिया एक बॉडी, ठीक है, दूसरी बॉडी है, तो एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो इस तरीके का जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसके लिए बना रहे? कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, यानी कुल मिला के लोड कैरी करने के लिए, सस्टेंड करने के लिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, तो उसमें क्या रखा जाएगा? मेंबर, कंपोनेंट, फोर्सेस, इन सबको रखा जाएगा। तो इस तरीके का भी स्ट्रेस यहाँ पर निकल के आता है, जिसको हमने कंसिडर किया है किसके अंदर? नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर। पहला पढ़ा हमने एक्सियल स्ट्रेस, जिसका फिनोमिना मैंने आपको बताया। दूसरा होता है बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। थर्ड होता है बियरिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। इसका मीन्स क्या है? जब व्हेन वन बॉडी इज ओवर अनदर बॉडी, पुट अनदर बॉडी, यानी कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब हम किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रख देते हैं तो वहां पर जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि जैसे कोई भी एक बॉडी है, मैं दिखा सकता हूं आपको, ठीक है, मान लो ये हमारा ग्राउंड स्ट्रक्चर है, इस पर कोई एक बीम रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, जैसे कोई एक बीम रखी हुई है, ठीक है, इस पे हमने रख दिया कोई अनदर बॉडी और यहाँ पर लोड लगा दिया बी, तो इस बॉडी को मैं फर्स्ट और इस बॉडी को सेकंड नाम दे दूं, तो इस प्रकार से जो इस क्षेत्र पर जो स्ट्रेस जनरेट होता है जब हमने किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रख दिया, तो जिस प्रकार का स्ट्रेस वहां पर जनरेट होता है उसको हम बियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। और जो बियरिंग स्ट्रेस होता है दोस्तों वो ऑलवेज कंप्रेसिव होता है, ऑलवेज कंप्रेसिव टाइप का होता है, कंप्रेसिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज को इस टॉपिक को यही कंसीडर करता हूं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने देखा कि हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है इसके अंदर पहला जो टाइप का स्ट्रेस आता है इसको हम बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, थर्ड होता है बेयरिंग स्ट्रेस। दोस्तों ये समझना जरूरी है क्योंकि हमारे जो मेंबर के जो कंपोनेंट्स होते हैं बीम और कॉलम, उनको सेव करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग का पर्पज ही यही है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को सेफ जोन में बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रेस की स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रेस क्या है? किसी भी बॉडी की पोजिशन को चेंज करने का, चेंज करता है कोई भी लोड अगर किसी भी बॉडी के किसी भी लोड बॉडी पर अगर लगता है स्ट्रेस, तो वो उसकी पोजिशन चेंज करने का विरोध करता है। तो मेंबर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटरनल मेंबर या स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करती है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया? स्ट्रेसेस नाम दे दिया। तो इस लेक्चर में दोस्तों यही है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए। धन्यवाद।